बहुत सी तलख यादें भी हमारे साथ रही हमने अपने प्यारों को भी सोच से बिछड़ते हुए देखा इस वक्त के जो मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं वो कराची और इस्लामाबाद के हैं जहां पर गुरूब आफ्ताब के ये मनाजिर हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं 2021 का आखिरी सूरज गरूब हो रहा है आज रात बारह बजे हम नए साल को खुशामदीद कहेंगे अगर बात की जाए सबसे पहले किस मुल्क ने नए साल को वेलकम कहा है तो वो मुल्क न्यूजीलैंड है इसके मनाजिर भी अब से कुछ देर पहले आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए गए थे ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया गया है स्काई टावर और ऑकलैंड ब्रिज पर शानदार आतिशबाज़ी और लाइट शो का अहतमाम किया गया था आसमान रंग बरंगी रोशनियों में नहा गया था और इस वक्त जो मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं ये पाकिस्तान के मनाजिर हैं जहां पर गरूब आफ्ताब के ये मनाजिर हैं जो कि आप तक पहुंचाए जा रहे हैं आपको दिखाए जा रहे हैं यकीन आप अपने घरों में भी ये मनाजिर देख रहे होंगे और इस वक्त हम न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर भी लाइव आपको ये दिखाए जा रहे हैं दिग्गर शहरों के ये हैं इस वक्त लाहौर के आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं जहाँ पर आफ्ताब के ये हैं किस तरह से सूरज गरूब हो रहा है साल का आखिरी सूरज है आज रात बारह बजते ही नए साल को खुश आमदी कहा जाएगा दो हज़ार इक्कीस का साल ना ज्यादा अच्छा था ना ज्यादा बुरा था कोरोना इस साल भी हावी रहा दो हज़ार बीस की तरह अब उम्मीद की जा रही है कि दो हज़ार बाईस में शायद इस पर कुछ काबू पा लिया जाए चाहे सखर के भी ये मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं एक जानब कराची के मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त सूरज गरूब हो रहा है बहुत ही दिलकश बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन मनाजिर हैं और ये सूरज आज अपने साथ बहुत सी हसीन और तल्ख यादें लिए गूब हो रहा है मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, की की हैं। दो हज़ार इक्कीस का आखिरी गरूब आफ्ताब है ये मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं तल्ख और हसीन यादें अपने दामन में समेटे दो हज़ार इक्कीस का आखिरी सूरज गरूब हो रहा है अगर बात की जाए 2021 की तो 2021 भी 2020 से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ़ नहीं था पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया के लिए किस तरह का सूरज होगा खुशियों भरा होगा और आ, लोग बहुत उम्मीद हैं कि ये इस साल में कोरोना पर भी काबू पा लिया जाएगा और मीशत भी मजबूत होगी और इसके साथ साथ उनका इस बात पर भी यकीन है कि इस साल इन शो भी काम हमारे पिछले साल में रह गए थे आज दो का आखिरी साल है और साल में हमने जो भी वादे किए जो भी काम हमारे अधूरे रह गए वो 2022 में हम मुकम्मल करेंगे मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं लाहौर के मनार हैं जहाँ पर गरूब आफ्ताब हो रहा है कराची के मनािर हैं जहाँ पर गुब आफ्ताब हो रहा है लाहौर में यकीन इस वक्त गरूब आफ्ताब हो चुका है ये मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में भी गरूब आफ्ताब हो रहा है और कराची में भी गरूब आफ्ताब हो रहा है इसी तरह से अगर आपको बताया जाए तो 2022 को आज रात को 12 बजे खुशामदीद कहा जाएगा और इसके लिए बहुत सी तैयारियां भी की गई हैं और जबकि हुकूमत की तरफ से शहरीों को मना भी किया गया है कि हवाई फायरिंग नहीं करेंगे हवाई फायरिंग अगर करेंगे तो खुले एरियाज़ में खुद को जाने से रोकें खुले एरियाज में ना जाएं अगर ऐसा ऐसा हो सकता है कि फायरिंग करने के बाद जो गोली नीचे आती है वो किसी ना किसी को लगती है और कोई, कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़ फायरिंग से हो सकता है इस पर दफ़ा एक का नफाज भी किया गया है वन विलिंग पर भी आ, वन विलिंग से भी मना किया गया है और हुल्लड़बाजी से भी मना किया गया है सो भी अपने आप पर जरा काबू रखें और बहुत ही एहतियात से बहुत ही खुशी से और बहुत ही पुरन तरीके से नए साल को वेलकम कहें पाकिस्तान में 2021 का आखिरी सूरज तल्ख और यादें लिए डूब रहा है मनाजर आपको दिखाए जा रहे हैं कुछ घंटों बाद पाकिस्तान में भी नया साल शुरू हो जाएगा दो के आखिरी सूरज को मिलकर डूबता देखेंगे अपनी स्क्रीन पर आप पाकिस्तान के मुख्तु शहरों से डूबते सूरज का नजारा भी कर रहे हैं आपको लाहौर से भी मनाजिर दिखाएंगे इस्लामाबाद के मनाजिर भी आपको दिखाए जा रखे हैं इसी तरह कराची के सखर के बाहालपुर के मुल्तान के भी मनाजिर आपको दिखाए गए पाकिस्तान में 2021 का सबसे पहला सूरज करदू में गरूब हुआ है और अगर वहाँ पर गुरूब आफ्ताब का वक्त आपको बताएं तो वहाँ पर वक्त था तकरीबन चार बजकर पचपन मिनट इसी तरह से गिलगत में भी साल का आखिरी सूरज गरूब हो चुका है मुजफ्फर में भी गरूब आफ्ताब हो चुका है और गुजरावाला में भी साल का आखिरी सूरज गरूब हो चुका है इस्लामाबाद में भी आखिरी सूरज गरूब हो रहा है मना आपको दिखाए जा रहे हैं लाहौर और पेशावर में सूरज गरूब हो चुका है जबकि कराची में अब से कुछ देर बाद सूरज मुकम्मल गरूब हो जाएगा मुल्तान में भी आफ, गरूब आफ्ताब के मनाजिर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इस्लामाबाद के भी मनाजिर आप देख रहे हैं नए साल को वेलकम कहने के लिए शहरी बहुत ही पुरजोश हैं बहुत ही पुरुद हैं कि इस साल बहुत ही जो हम काम नहीं कर सके 2021 में कोरोना की वजह से वो 2022 में मुकम्मल करेंगे और कोरोना जैसे वबाई मर्ज पर भी हम मुकम्मल काबू करेंगे